नाउ इट्स वर्कशीट टाइम। वर्कशीट टाइम में आज हमें क्या करना है, ये पेज करना है, कलर द पिक्चर्स। ये पिक्चर किसका है आपको पता है? ये स्कूल है हमारा, देखो स्कूल है ना। तो ये पूरा पिक्चर को हमें कलर करना है। आपको जो कलर पसंद हो, जो भी क्रेयॉन्स पसंद हो, आपको वो कलर लेना है, ओके। और ये होल पिक्चर में आपको, होल स्कूल में आपको कलर करना है। आप कैसे करेंगे? ऐसे करना है हमें, पूरा स्कूल में हमें कलर कर देना है। आपको जो कलर का क्रेयॉन्स पसंद है, इसमें हमें कलर करना है। ऐसे करके पूरा ये पिक्चर हमें कंप्लीट करना है, ओके। नाउ वी हैव टू टर्न अवर पेज। फिर हमें ये पैटर्न कंप्लीट करना है। ट्रेस एंड ड्रॉ द पैटर्न्स। ये पैटर्न्स है स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। हमें जो डॉट्स है उसे ज्वाइन करना है। ऐसे करके हमें ये सारा पेज कंप्लीट करना है, वर्कशीट के सारे पेजेस। यहाँ पे सिर्फ टू डॉट्स है, तो हमें टू डॉट्स कैसे करना है, दोनों वन डॉट और टू डॉट को ज्वाइन करना है। सेकेंड वन भी ऐसे करना है, थर्ड वन भी ऐसे करना है। फिर ये स्लिपिंग लाइन है, तो हमें ये टू डॉट्स को ज्वाइन करना है लाइक दिस, ओके। वैसे हमें ये लाइन को भी कंप्लीट करना है। और यहाँ पे तो डॉट्स नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप ट्राई करना है करने के लिए। कैसे करेंगे हम? स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ओके, मिडिल वाले लाइन में, ओके। देन वी हैव टू टर्न अवर पेज, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, कलर एंड काउंट द शेप्स इन द पिक्चर। हमें ये शेप्स है, ये जो हाउस है उसमें बहुत सारे शेप्स हैं, तो हमें ये शेप्स को काउंट करना है और हमें ये बॉक्स में लिखना है। और जो स्क्वायर है हमें उसे ब्लू कलर करना है। देखो यहाँ पे ब्लू कलर है, जो इसमें स्क्वायर शेप है उसे हमें ब्लू कलर करना है। फिर हमें काउंट करना है कि हमें कितने स्क्वायर शेप्स को कलर किए, फिर हमें काउंट करके ये बॉक्स में लिखना है। वैसे ही हमें ये सर्कल है, हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि सर्कल कितना है, और हमें येलो कलर करना है सर्कल में। फिर हमें यहाँ पे काउंट करके लिखना है। देन हमें ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल को हमें रेड कलर करना है, वो भी हमें काउंट करना है और हमें इसमें लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्लू कलर लेंगे स्क्वायर। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर कितना है, 1, 2, 3, 3 स्क्वायर्स है, 1, 2 and 3, 3 स्क्वायर्स है, ठीक है। तो हमें इसको पहले कलर कर देना है, ब्लू कलर करना है, क्योंकि यहाँ पे की दिया हुआ है ब्लू कलर। ये हमें ब्लू कलर करना है स्क्वायर्स में। ये भी स्क्वायर शेप है, देखो स्क्वायर शेप में टू विंडोज है। आपको स्लोली स्लोली करना है, आपको देखना है कलर बाहर ना निकले। हमने कितने स्क्वायर्स को कलर किया, फिर हमें काउंट करना होगा। वन टू एंड थ्री। तो हमें ये जो ब्लू वाला है उसके जो बॉक्स है उसमें हमें लिखना है 3, ओके। देन हमें लेना है येलो कलर, हमें येलो कलर लेना है, और येलो कलर किसमें करना है, सर्कल में। हमें यह फाइंड आउट करना है सर्कल कितना है,
वन टू, ओनली टू है देखो, है ना। तो हमें सर्कल में येलो कलर करना है ऐसे। आपको स्लोली स्लोली करना है, घर पे एंजॉय करना है कलरिंग को, ओके। अब हमने टू सर्कल्स को कलर कर दिया, अब हमें इसे काउंट करना है, वन टू। तो ये जो येलो वाला है उसके बॉक्स में हमें लिखना है टू, ओके, टू लिखना है, ठीक है। अब ये क्या है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ट्रायंगल कितना है। तो ये ट्रायंगल है, ये छोटा सा ट्रायंगल है ना। कितना ट्रायंगल हुआ, वन टू। तो हमें ये ट्रायंगल को कलर करना है, रेड कलर करना है, क्योंकि ट्रायंगल में हमें रेड कलर बोला है करने के लिए। आपको स्लोली स्लोली करना है, ठीक है, घर पे। ऐसे करके हमें कंप्लीट करना है, स्मॉल है, स्मॉल में भी हमें कर देना है। हमने कितने ट्रायंगल को कलर किए, टू, वन टू। तो हमें ट्रायंगल वाले बॉक्स में लिखना है टू, ओके। ऐसे करके हमें ये वर्कशीट के पेज को कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू टर्न अवर पेज लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करना है, कलर द हॉट ऑब्जेक्ट रेड एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट ब्लू। जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है हमें उसे रेड कलर करना है, और जो कोल्ड होता है हमें उसे ब्लू कलर करना है, ओके। तो हमें देखना है, फर्स्ट ये क्या है, ये सूप है। हम हॉट हॉट सूप पीते हैं ना, तो सूप कैसा होता है, हॉट होता है। तो हमें हॉट हॉट सूप में रेड कलर करना है, ओके। ये क्या है, ये आइसक्रीम है, ओके। कैंडी है, तो कैंडी में हमें कौन सा कलर, वो कोल्ड होता है ना, हम खाते हैं तो हमें कोल्ड कोल्ड लगता है ना, ठंडा ठंडा, तो हमें उसे ब्लू कलर करना है, ओके। फिर ये क्या है, सन है, सन कैसा होता है, हॉट हॉट होता है, हाँ, तो हमें इसे रेड कलर करना है। ये क्या है, आइसक्रीम कोन, यस, आपको बहुत पसंद होता है ना, छोटे छोटे किड्स को, तो हमें ये कोल्ड होता है, तो हमें इसे ब्लू कलर करना है। देन दिस इज अ फायर, फायर है ये, हमें इसे टच करना नहीं होता है, ये हॉट हॉट होता है, तो हमें इसे रेड कलर करना है, ठीक है। नाउ आइस हमारे फ्रिज में होता है ना, तो हमें ये कोल्ड कोल्ड होता है, फ्रिज में होता है तो कोल्ड होगा ना, तो हमें इसे ब्लू कलर करना है। देन टी, ये चाय है, टी हम पापा पीते हैं, मम्मा पीते हैं ना, तो ये भी कैसे होता है, धुआं निकल रहा है देखो, तो ये हॉट हॉट होता है, तो हमें इसे रेड कलर कर देना है, ठीक है। ये क्या है, ये राइस, ये मम्मा इसे कुक करते हैं राइस को, पता है, तो हमें इसे रेड कलर करना है, क्योंकि ये हॉट हॉट है, ओके। ये क्या है, ये वेजिटेबल है, मम्मा सब्जी बना रहे हैं देखो, तो सब्जी मम्मा जब बनाते हैं गैस पे तो कैसा होता है, हॉट हॉट होता है, तो हमें इसे भी रेड कलर करना है। ये क्या है, जूस, हम जूस पीने जाते हैं, देखो इसमें आइस है ना, कोल्ड कोल्ड वाला, तो ये कोल्ड जूस है, तो हमें इसे ब्लू कलर करना है, ठीक है। ये क्या है, ये चाय की किटली है ना, इसमें हम चाय फिल करते हैं, टी कॉफी फिल करते हैं, तो ये भी हॉट हॉट होता है, तो हमें इसे रेड कलर कर देना है, ठीक है। ऐसे करके आपको ये सारी वर्कशीट कंप्लीट करना है। आप कैसे करोगे, हम आपको पीडीएफ फाइल भेजेंगे, पीडीएफ फाइल में से देख के आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, विद द हेल्प ऑफ योर फादर मदर और ब्रदर सिस्टर, ओके। अब हम बनाएंगे फ्रेंडशिप बैंड, ओके, इस एक्टिविटी टाइम अब हम बनाएंगे फ्रेंडशिप बैंड, ओके। नाउ इस एक्टिविटी टाइम, एक्टिविटी टाइम में हम बनाएंगे आज फ्रेंडशिप बैंड, ओके।
फ्रेंडशिप बैंड के लिए हम वेस्ट में से बनाएंगे, जो हमारे घर पे वेस्ट अवेलेबल है हम उसमें से फ्रेंडशिप बैंड बनाएंगे आज। तो फ्रेंडशिप बैंड बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए? रिबन और लेस, आपके घर पे जो भी अवेलेबल है। ओके, ऐसा हमें फर्स्टली लेस ले लेना है, और हमें लेना है स्टोन्स, डायमंड्स, जो हमारे घर पे ऐसी वेस्ट पड़ा हो वो हमें ले लेना है। फ्लावर्स ले सकते हो आप कटआउट करके, कोई भी चीज़ आपके घर पे जो अवेलेबल है, जो वेस्ट है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, गम, और हमें फेविक्विक चाहिए और फेविकॉल। ओके, अब हमें क्या करना है, ये सबको साइड में रख देना है। हमें लेना है एक बैंड, लेस लेना है। ओके, या रिबन ले सकते हो आप, मैंने यहाँ पे रिबन लिया है, ग्रीन कलर का रिबन लिया है। ओके, तो उसे आपको क्या करना है, एक मैंने यहाँ पे एक स्टोन लिया है, फ्लावर वाला स्टोन जो मेरे घर में अवेलेबल था। हमें क्या करना है, ये रिबन के मिडल में, पहले हमें मिडल में थोड़ा सा ग्लू लगाना है। ग्लू लगा के हमें वो जो स्टोन है फ्लावर वाला वो स्टिक कर देना है। फिर हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ के दूसरा ग्लू लगाना है, वहां पे हमें सेकेंड वाला जो फ्लावर है उससे स्टिक कर देना है। देन हमें ऑपोजिट साइड वापस थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ग्लू लगाना है, और हमें वहां पे जो थर्ड वन स्टोन है वो स्टिक कर देना है। ठीक है, अब ये जो फ्लावर्स है हमने स्टिक किए हैं उसे सूखने के लिए रखना है। ठीक है, अब हमें फ्लावर्स के मिडल में ये वाला जो स्टोन है, जो स्टोन्स है वो हमें गम के यूज से वो लगा देना है, ऐसे करके लगाना है, और मिडल में, और सेकेंड ऑपोजिट साइड भी हमें इसी तरीके से एक स्टिक कर देना है, ऐसे। सिंपल और सोबर सा हम बनाएंगे आज। ओके, आपको घर पे ये सब ट्राई करना है, हा? और फिर हमें एक और लगाना है, वो फ्लावर के ऑपोजिट साइड लगा देना है। फिर हमें वो लास्ट वाला फ्लावर है जो, उसके ऑपोजिट साइड में भी लगा देना है। ओके, और जब ये ड्राई हो जाए, जब ये सूख जाए, तब हमें हमारे फ्रेंड्स को, ये जो भी हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमें उसे उसके व्रिस्ट पे, उसका व्रिस्ट पे हमें उसे टाई कर देना है। ओके, हमें उसके व्रिस्ट पे ये फ्रेंडशिप बैंड टाई कर देना। तो आपको घर पे ये बनाने के लिए ट्राई करना है विद द हेल्प ऑफ योर मदर, फादर, योर फैमिली मेम्बर्स। ओके, अब हम करेंगे, अब इट्स टाइम टू से बाय बाय। बाय बाय।